प्रदेश सरकार ने मदरसों के खुलने व बंद होने के समय में बदलाव किया है, जिसके संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मदरसों के समय में परिवर्तन किया है। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा एक नया निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के सभी मदरसे सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक संचालित होंगे। सभी मदरसों में सुबह 9:20 पर प्रार्थना व राष्ट्रगान किया जाएगा तथा 12 बजे से 12:30 बजे तक लंच होगा। सभी मदरसों में प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष कुमार पांडे ने कहा, मदरसों के जो संचालन का समयावधि है उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा इस संबंध में एक नया निर्देश जारी किया गया है। मदरसे की टाइमिंग जो कक्षा संचालन की है, प्रातः 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक रहेगा, जिसमें प्रातः 9 से 9:20 तक पहला 20 मिनट का जो सत्र है उसमें प्रार्थना और राष्ट्रगान होगा तथा 12 से 12:30 तक मध्यावकाश यानी भोजनावकाश रहेगा। और इस प्रकार से मदरसे के पूरी कक्षाएँ 9 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच में संचालित की जाएंगी। हाँ, प्रार्थना के साथ राष्ट्रगान को भी अनिवार्य बनाया गया है और प्रत्येक दिन प्रार्थना के साथ ये राष्ट्रगान भी 9 बजे से 9:20 तक कराया जाना है।